1990 में शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, जिसके लिए ब्रोकर मेहता को जिम्मेदार माना गया और उन्हें बिग बुल का दर्जा दिया गया। और अप्रैल 1992 में खुलासा हुआ कि मेहता बैंकिंग नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाते थे। मेहता दो बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। ये बात जब सामने आई तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई। मेहता एक बैंक से फेक बैंक समाधान विवरण यानी BR बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। मेहता पर कई केस चल रहे थे, मगर उसे एकमात्र केस में दोषी पाया गया था। उसे दोषी पाते हुए उच्च न्यायालय में 5 साल की सजा और जुर्माना ठोका था। मेहता मुंबई के थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई।